बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर चोरी हो गई है। चोरों ने एक्ट्रेस के दिल्ली वाले घर से 1.41 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ रुपए के करीब ज्वेलरी और कैश लूट लिया गया है। मामले में सोनम कपूर की ददिया सास की तरफ से तुगलक रोड थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके बाद तुगलक रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। हाई प्रोफाइल केस होने के चलते मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसको लेकर सर्च टीमों का गठन किया गया है। बताते चलें, सोनम कपूर और आनंद आहूजा के दिल्ली वाले घर में 25 नौकर 9 केयर टेकर के अलावा ड्राइवर और माली काम करते हैं। ऐसे में पुलिस इन सभी की अच्छे से छानबीन कर रही है और पूछताछ में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम के अलावा SFL की टीम को भी मामले में जोड़ा गया है। इस मामले में अभी तक चोरों का पता नहीं चला पाया है, ना ही कोई सुराग हाथ लगा है। इस मामले को हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने दबा रखा था। फिलहाल मामला अब खुलकर सामने आया है। बता दें, सोनम कपूर का ससुराल 22 अमृता शेरगिल मार्ग पर है। हालांकि सोनम अपने पति आनंद आहूजा के साथ लंदन में रहती है। आनंद आहूजा और सोनम कपूर के इस घर में दादी सास सरला आहूजा, जिनकी उम्र 86 साल है, वह अपने बेटे हरीश आहूजा और बहू प्रिया आहूजा के साथ रहती हैं। जब उनके घर में चोरी हुई तो उसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंची थी। 23 फरवरी का ये मामला बताया जा रहा है। ऐसे में सरला अपने मैनेजर रितेश गौरा के साथ थाना तुगलक रोड पहुंची। उन्होंने इस दौरान बताया था कि उनके कमरे की अलमारी से 1.40 करोड़ रुपए की ज्वेलरी गायब है, साथ ही नकदी भी वहां मौजूद नहीं है।